हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्लिम्स ऑफ माय फैमिली। आज मैं बना रही हूँ एक सिरेलिक जो कि बच्चों को दिया जाता है। बच्चों को दिया जाने वाला ये सिरेलिक हम घर पर ही बनाएंगे। बाजार का सिरेलिक तो सभी खाते ही हैं, लेकिन जब ये सिरेलिक घर पे बनता है तो ये बहुत ही हेल्दी बनता है और ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, पौष्टिक होता है, क्योंकि हम बहुत सारी जो जितनी भी तरह की दालें होती है उनको मिक्स करके ये सिरेलिक बनाएंगे। सिरेलिक का पाउडर बनने के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये सिरेलिक हम बनाएंगे कैसे, कितनी क्वांटिटी में हमें इसको बच्चों को खिलाना है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सिरेलिक का बिल्कुल फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। अब आप पहचान भी नहीं पाएंगे कि ये सिरेलिक घर का है या बाजार का है। बेशक ये घर पर बना हुआ है और बाजार से कई गुना ज़्यादा हेल्दी है। तो बिना देरी करे आइए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 7 तरह की दालें ली हैं और यहाँ पर मैंने थोड़े चावल भी ले लिए हैं। इन सभी चावलों और दालों को मिला करके हम सिरेलिक बनाएंगे। ध्यान रहे, पहले हमें इन चावल और दालों को अच्छे से साफ कर लेना है ताकि इनके अंदर किसी तरह का मिट्टी कंकर ना रहे। तो ये सभी दालें मैंने यहाँ पर इक्वल क्वांटिटी में ली है। दालें मैंने सभी यहाँ पर आधा आधा कप ली है और चावल मैंने यहाँ पर 2 कप ली है। तो चावल और दालों को सबसे पहले हम साफ पानी से धोएंगे। तो यहाँ पर मैंने हरी मूंग की दाल आधा कप ली है, जो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और उसके बाद में मैंने यहाँ पर ली है काली छिलके वाली उड़द की दाल, वो भी हम एक बाउल के अंदर डाल देंगे। और इसके बाद में मैंने ली है यहाँ पर अरहर की दाल, वो भी हम एक बाउल में डाल देंगे। और इसके बाद में मैंने ली है मसूर की दाल, वो भी हम बाउल में डाल देते हैं। धुली हुई उड़द की दाल मैंने ली है आधा कप, वो भी हम एक बाउल में डाल देंगे। और मैंने यहाँ पर चना दाल ली है, वो भी हम इसको साफ पानी से धोने के लिए डाल देते हैं। और लास्ट में मैंने ये पर ली है मूंग की दाल जो कि धुली हुई है, वो भी हमने आधा कप ली है, वो भी हम इस बाउल में डाल देते हैं। और अब हम इन सभी को साफ पानी से धोएंगे और थोड़ी देर के लिए रख देंगे। दालों के अंदर पानी डाल के इनको 5-7 मिनट तक पड़े रहने दीजिए ताकि इनके अंदर जो भी गंदगी है वो पूरी तरह से पानी में घुल जाए। इसके बाद में हम इसको छलनी की सहायता से छान लेंगे। तो ठीक इसी तरह से दालों को साफ करने के बाद में चावलों को भी हमें बिल्कुल साफ पानी से धोना है। चावल को भी हमें 5 मिनट तक पानी में भिगो के रखना है ताकि जितनी भी गंदगी है वो पानी में घुल जाए। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से चावलों को धो लिया है और पानी को छान लिया है। चावल और दाल दोनों को ही मैंने यहाँ पर धो लिया है और मैंने इनको छलनी में डाल दिया है ताकि इनका जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो पूरी तरह से निकल जाए। 5-7 मिनट तक हम इनको छलनी में रखेंगे ताकि इनका जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो पूरी तरह से निकल जाए। चावल और दालों को सुखाने के लिए कॉटन के कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे पास ये कॉटन का एक दुपट्टा है जिसको मैं सुखाने के लिए काम में ले रही हूँ। आपके पास जो भी क्लॉथ हो, चाहे वो धोती हो या कोई भी कॉटन का कपड़ा हो, बस वो साफ़ होना चाहिए और उस पर कलर ना निकले, इस बात का आप ध्यान रखिए। कॉटन की क्लॉथ के ऊपर एक तरफ चावल को मैंने यहाँ पे सुखा दिया है ताकि इनका जो भी एक्स्ट्रा वाटर है वो चावल से निकल जाए। कपड़े के दूसरी तरफ मैंने दालों को भी सुखा दिया है और इसको अपने हाथों से अच्छी तरह से स्प्रेड कर दीजिए। मैं यहाँ पर चावल और दाल को 2-3 घंटे के लिए पंखे की हवा में सुखा रही हूँ। पंखे की हवा में ये 2-3 घंटे में अच्छे से सूख जाएंगे। तो यहाँ पर 2-3 घंटे हो चुके हैं और आप देख रहे हैं कि चावल और दाल है वो अच्छी तरह से सूख गए हैं। बीच बीच में मैंने जब 1 घंटे हो गए थे तो एक बार मैंने फिर से एक बार हाथ लगा दिया था ताकि इनका पानी है वो अच्छी तरह से सूख जाए। तो यह पूरी तरह से सूख चुके हैं। तो अब हम इनको अच्छे से सेकेंगे। पहले मैं यहाँ पर चावल को सेक रही हूँ। मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई में मैं सूखे हुए चावल है वो डाल दूँगी। गैस की फ्लेम मैंने यहाँ पर ऑन कर दी है और अब हम चावलों को सेकना शुरू करते हैं। चावलों को हमें तब तक भूनना है जब तक कि इनका हल्का सा कलर ब्राउन ना हो जाए और धीमी धीमी उनकी खुशबू ना आने लग जाए। चावल को मैंने 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर ही सेका है। अगर बीच में चावल जलने लगे तो आप फ्लेम को लो कर दीजिए। तो ये देखिए, चावल यहाँ पर ऑलमोस्ट सिक चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए हल्का हल्का इनका कलर ब्राउन हो गया है और महकी महकी इनमें खुशबू आने लग गई है। तो एक प्लेट में हम इन गरम गरम चावलों को फैला देते हैं ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाए और बाद में ये पीसने में आसानी रहे।
जब तक चावल ठंडे हो रहे हैं तब तक हम आगे की प्रोसेस कर देते हैं। उसी कढ़ाई में मैं यहाँ पर दालों को सेकने जा रही हूँ। दालों को मैंने इस तरह से कढ़ाई में डाल लिया है। पूरी दाल को हम कढ़ाई में डाल करके अच्छे से सेकेंगे। यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है। ध्यान रहे गैस की फ्लेम वैसे ही हम मीडियम रखेंगे, क्योंकि दाल थोड़ी ज़्यादा है तो 10 से 15 मिनट इसे हमें सेकते हुए लगेंगे। दालों को मीडियम फ्लेम पर सेकते रहें, बीच में जलने लगे तो आप गैस की फ्लेम को लो कर दीजिए। जैसे जैसे दालें सिकने में आएगी इनसे हल्की हल्की खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि दालें पूरी तरह से सिक चुकी है। तो यहाँ पर दाल सिक करके तैयार हो चुकी है। तो गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पर ऑफ कर दिया है और अब हम इनको ठंडा होने देंगे। जब तक दालें ठंडी हो रही है तब तक चावल पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं और अब हम इनको एक मिक्सी के जार में डाल करके पीस लेंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मिक्सी के जार में डालने से पहले दाल और चावल पूरी तरह से ठंडे हो जाने चाहिए। तो चावलों का बिल्कुल फाइन पेस्ट मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है और अब हम इसको एक बाउल में निकाल देंगे। दूसरी तरफ दालें भी हमारी पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है, तो उसी मिक्सी के जार में मैं दालों को डाल करके भी पीस लूंगी। मिक्सी के जार में डालने से पहले आप एक बार जरूर चेक कर लें कि दालें पूरी तरह से ठंडी हुई है या नहीं हुई है। ठंडी हो जाने पर ही दालों को मिक्सी के जार में डालें। चावलों की तरह दालों का भी हमें बिल्कुल फाइन पेस्ट तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है और अब चावल और दाल दोनों का मिक्सचर पूरी तरह से रेडी हो गया है। दोनों को हमने एक एक बाउल में निकाल दिया है और अब इन दोनों को हम मिक्स कर लेंगे। तो एक बार आप इस घर पर बने हुए पाउडर को देखिए, कितना अच्छा लग रहा है। और अच्छे लगने के साथ साथ में ये बिल्कुल घर का बनाया हुआ और हेल्दी पाउडर है। इन चावल और दोनों पाउडर को हम मिक्स कर देते हैं और इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। चावल और दाल के मिश्रण को अच्छी तरह से मिक्स कर ले ताकि ये अच्छी तरह से मिल जाए। और ये देखिए यहाँ पर मैंने मिक्स कर लिया है और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में, और अच्छा लगने के साथ साथ में खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो यहाँ पर सेरेलेक तो बन गया है और अब मैं आपको बताऊँगी कि इसको बनाना किस तरह से है। यहाँ पर मैंने एक छोटी कढ़ाई ले ली है और गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पर ऑन कर दिया है। एक चम्मच मिश्रण हम लेंगे और इसको कढ़ाई में डाल देंगे। एक चम्मच काफ़ी होता है 6 महीने के बच्चे के लिए। इस तरह से हम इसको थोड़ा सा आधा मिनट के लिए सेकेंगे। वैसे सेकना ज़रूरी नहीं है, फिर भी थोड़ा सा आधा मिनट मैंने सेक लिया है और लगभग आधा कप पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और उबाली आने तक इसको 2-3 मिनट के लिए अच्छे से चला लेंगे। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बस 5 ही मिनट में ये बन करके तैयार हो जाता है। थोड़ा सा पानी मुझे कम लग रहा है तो मैंने थोड़ा सा पानी यहाँ पर और डाल दिया है। कंटिन्यू इसको चलाते रहिए, नहीं तो ये नीचे चिपक सकता है, इसलिए इसको कंटिन्यू हिलाते रहिए। इसको छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू आप इसको चलाते रहिए, नहीं तो ये चिपक सकता है। इसको बनाना बहुत आसान है, बस 5 ही मिनट में ये बनकर तैयार हो जाता है। अब ये बनकर तैयार हो गया है तो मैं लास्ट में इसमें छुहारे का 1 चम्मच पाउडर डाल रही हूँ। ये टेस्ट में थोड़ा सा मीठा है, जिससे कि इसका टेस्ट थोड़ा सा मीठा हो जाएगा और बच्चे को अच्छा लगेगा खाने में। छुहारे की पाउडर की रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। छुहारे का पाउडर भी आप अपने घर पर बनाइए और किसी भी तरह के बच्चे के लिए जो आप बनाते हैं उसमें 1 चम्मच मिक्स कर दीजिए, ताकि उसका टेस्ट थोड़ा सा मीठा हो जाता है तो वो टेस्ट खाने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये बन करके बिल्कुल तैयार हो चुका है और अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये देखिए घर पर बना हुआ दाल चावल का स्पेशल सेरेलेक बन करके तैयार है और ये बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होता है। और हमें पता है कि हमने इसको कैसे बनाया है, तो आप घर पर अपने बच्चों के लिए इस सेरेलेक को ज़रूर बनाइए। वैसे इसको पकाना भी ज़रूरी नहीं है, बस आप तेज़ गर्म पानी कीजिए और गर्म पानी के अंदर इसको अच्छे से घोल लीजिए और ठंडा करके अपने बच्चे को खिला दीजिए। क्योंकि दाल और चावल तो हमने पहले से ही सेक के ही बनाया है, इसलिए बाद में इनको सेकना ज़रूरी नहीं है। तो ये खाने में बहुत अच्छा लगता है और छुहारे के पाउडर से इसका टेस्ट थोड़ा सा मीठा भी हो जाता है। आप चाहो तो इसके अंदर चुटकी भर नमक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ताकि ये बच्चे का टेस्ट और अच्छा हो जाए।
तो 6 महीने से ऊपर के बच्चों को और क्या क्या खिलाना चाहिए, इसकी रेसिपीज मैं अपने चैनल पर लगातार पोस्ट करती रहती हूँ। तो आप मेरे चैनल को लगातार वॉच करते रहिए। ये बेबी फूड आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। आप अपना ख्याल रखिए और पूरी तरह से स्वस्थ रहिए।